हेलो गाइस, वेलकम टू स्टड लाइक। मैं हूं अभिषेक चुलवर और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टड लाइक में। सो गाइस, जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैंने अपनी आंखों से देखा है जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं ये नॉर्थ इंडिया वाले या फिर इंडिया के बाकी पार्ट्स में। तो उन्हीं की स्टोरी बयां करने के लिए एक मूवी आई है जिसमें नॉर्थ ईस्ट के एक्टर हैं और नॉर्थ ईस्ट के लोगों की स्टोरी बयां कर रही है, जिसका नाम है अखूनी और इसकी स्पेलिंग है नेटफ्लिक्स पे आई है AXON। अब इसका प्रोनाउंस हम अकूनी करेंगे। अकूनी एक नॉर्थ ईस्ट की डिश है, उसके ऊपर ये मूवी है। तो वही मूवी मैंने अभी देखी और मैं आपको बताऊंगा कि मूवी कैसी है, आपके देखने लायक है या नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अकूनी का रन टाइम है 1 घंटे 40 मिनट का और इसे आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे। बाकी इसकी कास्ट की बात करें तो कास्ट में सयानी गुप्ता हैं उपासना के रोल में, लिन लेसराम हैं चांदबी के रोल में, रोहन जोशी हैं शिव के रोल में, उसके अलावा विनय पाठक और डॉली आलूवालिया छोटे छोटे रोल्स में हैं। और इसकी जो स्टोरी है, स्टोरी नॉर्थ ईस्ट के एक ग्रुप के बारे में, दोस्तों का एक ग्रुप है। उनमें से एक दोस्त है उनकी जिसकी शादी होने वाली है, तो उस शादी के लिए जो उसके दोस्त हैं वो नॉर्थ ईस्ट की एक स्पेशल डिश बनाना चाहते हैं अकूनी। अब जो अकूनी है वो सोयाबीन से बनती है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है बनने के बाद, जो हर किसी को नहीं भाती है, हर किसी को पसंद नहीं आती है। जैसे कि अभी ये मूवी शूट हुई है दिल्ली में और दिल्ली की लोकेलिटी है, जो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं उनको वो स्मेल बिल्कुल नहीं भाएगी और बिल्कुल सूट नहीं करेगी। तो फिर जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो ग्रुप है उपासना जिसका कैरेक्टर कर रहे हैं सयानी गुप्ता और बाकी उनके फ्रेंड्स, जैसे ही अकूनी नाम की डिश बनाना स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही डिश बनती है और आधी बनने लगती है तो उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके आस पड़ोस के लोग जो हैं वो विरोध करते हैं, वो उन्हें चीखते चिल्लाते हैं और आर्गुमेंट होता है। तो एट लास्ट वो परेशान होकर वो डिश बनाते हैं नहीं बनाते हैं और अपनी फ्रेंड की शादी को अकूनी बनाकर स्पेशल बना पाएंगे या उनका सारा प्लान फेल हो जाएगा। ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी अकूनी नेटफ्लिक्स पे। तो परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो पूरी की पूरी जो कास्ट है अकूनी मूवी की, पूरी कास्ट नहीं अच्छा काम किया है, लेकिन पूरी कास्ट में से 3 लोग हैं जिनका काम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उनकी एक्टिंग देखने लायक थी। पहला सयानी गुप्ता। सयानी गुप्ता अनडाउटेडली एक राइजिंग स्टार हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। उन्हें फिल्मों में, बड़ी फिल्मों में खासकर छोटे छोटे रोल मिलते हैं, लेकिन उस छोटे छोटे रोल में वो अपनी छाप छोड़ जाती हैं। इस मूवी में उनका मेन लीड कैरेक्टर है उपासना का और उन्होंने इस मूवी में अपने एक्सेंट के साथ भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है। वो सुनने में अच्छा लगता है और उनका एक्सेंट बहुत इम्प्रेसिव लगता है। और उनके अलावा लिया लेसराम, उनका कैरेक्टर भी अच्छा है मूवी में और वो कैरेक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मूवी की स्टोरी को आगे खींचने में हेल्प करता है। और इन दोनों के अलावा जिसका काम मेरे को अच्छा लगा वो है रोहन जोशी का। रोहन जोशी का कैरेक्टर काफ़ी एनर्जेटिक है और काफ़ी कॉमेडिक है और ऐसा कैरेक्टर आपको अपने आसपास कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। ही वॉज़ लाइक द बॉय नेक्स्ट डोर, जो भी अपने आसपास के लोग होते हैं उनके जैसा। इन सब के अलावा जो विनय पाठक हैं वो उनका छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस है, वो उसमें अपनी छाप छोड़ जाते हैं। और जो डॉली आलूवालिया हैं उनका भी छोटा सा रोल है, लेकिन वो जब भी स्क्रीन पर आती हैं पूरा का पूरा फोकस उनके ऊपर चला जाता है सारे लोगों से हटके, और जहाँ पे उन अपनी ऑटोमेटिकली अपनी छाप छोड़ जाती हैं। अब बात करते हैं इसके गुड और बैड एस्पेक्ट्स की। तो बैड एस्पेक्ट्स में कोई जनरली कुछ लगा नहीं, लेकिन एक बैड एस्पेक्ट था इसके अंदर, वो ये कि बीच में कहीं पे जाके हल्की सी स्लो हो गई थी। वहाँ हल्की सी स्लो थी, लेकिन वो होता है कभी कभार किसी मूवी के अंदर, वो इतना चलता है। अब बात करते हैं इसके गुड एस्पेक्ट्स की। तो फर्स्ट, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ वो बहुत अच्छे से दिखाया है इसके अंदर, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वालों का साइड दिखाया है, दोनों साइड दिखाए हैं, ये अच्छी बात है। और बाकी जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ, इसको रोकना चाहिए और इसके ऊपर एक हॉट बर्निंग टॉपिक है ये, स्पेशली दिल्ली के मालवे नगर हो गए, साकेत हो गए, इन सब इलाकों में काफ़ी सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग रहते हैं और उनके साथ काफ़ी कुछ गलत होता है। वो सबको इसके अंदर दिखाने की छोटी सी कोशिश की गई है और आई होप इसके ऊपर आगे भी मूवीज़ बननी चाहिए। सेकंड,
इसमें किसी का साइड नहीं लिया गया है, दोनों साइड्स दिखाए गए हैं, बोथ साइड्स को प्रेजेंट किया है। नॉर्थ ईस्ट वालों का भी साइड प्रेजेंट किया है और जो नॉर्थ इंडिया वाले लोग हैं जैसे कि दिल्ली के जो लोग हैं लोकल पीपल, उनका भी साइड प्रेजेंट किया है। जैसे कि एक सीन है इसके अंदर, वो कहता है कि खाना कुक करना, अकूनी बनाना हमारा हक है, लेकिन अब उसकी जो स्मेल है वो उनको बर्दाश्त नहीं है लोकल पीपल को, तो वो सहन ना करना भी उनका हक है। तो ये चीज़ अच्छी है। उसके अलावा कुछ सीन्स हैं जिसमें दोनों के बीच के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने का भी ट्राई किया है डायरेक्टर ने। थर्ड, छोटी सी कोशिश की है जो नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइब्स होती हैं उनके कल्चर को, उनकी जो ट्रेडिशन है उस सबको दिखाने की इसके अंदर। और फोर्थ, म्यूज़िक, इसमें फोक सॉन्ग डाले गए हैं नॉर्थ ईस्ट के, और जो भी गाने हैं इसके म्यूज़िक एब्सोल्युटली बहुत अच्छा है, जो सीन्स के ऊपर काफ़ी अच्छे से फिट बैठ। तो लास्टली अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन मेरा यही होगा कि ये मूवी मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा, आपको देखनी चाहिए। क्योंकि जब मैं ये मूवी देख रहा था तो मूवी एंड होने तक, जो स्पेशली जो एंडिंग है क्लाइमैक्स में, मेरे चेहरे पे स्पेशली स्माइल आ गई थी। और आप भी इस मूवी को देखोगे तो मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि आपके चेहरे पे भी एक छोटी सी स्माइल आ जाएगी, और आपको आपका ये जो डेढ़ दो घंटे का टाइम है ये वर्थ इट लगेगा। सो गाइज, जाइए नेटफ्लिक्स पे जाके अकूनी नाम की ये मूवी देखिए। सो गाइज, ये था मेरा रिव्यू अकूनी का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने मूवी देख ली तो आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट में बताओ। अगर कोई सवाल या सुझाव हो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। सो गाइज, अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब बटन को दबा कर या मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करके। सो दिस इज़ अभिषेक चिलवर साइनिंग ऑफ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।